नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में विगत वर्षों की तरह कॉर्बेट ग्राम विकास समिति ने इस वर्ष भी वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह धूमधाम से मनाया। बता दें, वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जन जागरूकता रैली, सफाई अभियान, नेचर ट्रेल, वाइल्ड लाइफ मूवी शो, ड्राइंग कंपटीशन आदि अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकले, इनको जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और कार्यक्रम का उद्देश्य था वन्य प्राणियों से अवेयरनेस जागृत करना गाँव वालों के बीच। हमें अपना आंगन साफ रखना है और बाहर भी स्वच्छ रखना है। हमें पर्यावरण में कूड़ा कचरा नहीं करना है, गंदगी नहीं करनी है और साफ सफाई करनी है। थैंक यू। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में भी इन दिनों गुलदार का आतंक है। गुलदार का आतंक का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि गोलापार क्षेत्र के लक्ष्मणपुर स्थित गांव में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत बगड़वाल के घर के आंगन में गुलदार ने पालतू कुत्ते पर हमला बोल दिया। गरिमत रही कि कुत्ता गुलदार से बच गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुलदार के ग्रामीण क्षेत्र में आने से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार की पकड़ने की मांग की है। वहीं नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक के कई गांवों में पिछले कई दिनों से गुलदार की दहशत है। आपको बता दें, गुलदार कई लोगों पर अपना हमला बोल चुका है और साथ ही पालतू जानवरों को भी निवाला बना चुका है। और ऐसे में लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कई गांवों में गुलदार देखा जा रहा है, जिससे गांव में भय का माहौल बनाया हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।